साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन सस्ता नहीं करती है तो सारा फायदा जो है भाजपा को पहुंचेगा। अब कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। आज के बाद आप इसे तय मानते हैं कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें उत्तर प्रदेश में ये जो तीन पार्टियां मेन तौर पे सामने होंगी, लोगों के सामने त्रिपक्षीय चुनाव होगा, ये तय हो गया? फिलहाल अब तो करीब करीब फाइनली है कि त्रिकोणीय होगा मुकाबला और मायावती जी गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। और एक बात उन्होंने ये कही है कि हम चुनाव बाद जो है वो सरकार में शामिल होने पर विचार करेंगे बहुजन के हित में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई चुनाव बाद मतलब वो शामिल हो सकते हैं। अब चुनाव बाद शामिल होने में क्या है कि देखिए इसके मतलब दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं कि भाई जिसको जरूरत होगी वो उधर भी जा सकते हैं, उन्होंने रास्ते अपने खोल के रखे हैं। हाँ, जिसको जरूरत होगी तो वो कहेगा, लेकिन जो ट्रेंड है चुनावों का पब्लिक का उसमें अब हंग पार्लियामेंट का तो कोई मतलब लक्षण दिखता नहीं। देखिए दूसरी बात यह है कि मायावती जी ने अपना जो अनुकूल है, देखिए वो बहुत लिखित वक्तव्य पढ़ती हैं, तो आप उसमें आदमी सोच के हर चीज बात करता है, जैसे एक वकील करता है कि अपने अपने फेवर वाले तर्क बोलता है बाकी छोड़ देता है। देखिए उन्होंने अधूरी बात कही, 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो उनको पार्लियामेंट की 10 सीटें मिली और उसका फायदा उन्हें यह हुआ कि भाई अपना वोट तो मिला ही मिला और समाजवादी पार्टी का कितना मिला कहीं कहीं नहीं में भी मिला होगा, लेकिन माइनॉरिटीज का वोट उसकी वजह से उनको मिला और उसकी वजह से 10 सीटें आई। विधानसभा में अकेले लड़ी तो एक सीट आई, वो भी एक सीट कहा जाता है कि भाई बलिया के जो उमा शंकर सिंह हैं वो अपने बल पे जीते, तो मायावती जी का ये तर्क तो ठीक नहीं लगता कि भाई गठबंधन से हमको फायदा नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि फिर निकाला जाए कि भाई मायावती जी के पर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव है। बीजेपी के साथ तो देखिए चुनाव पूर्व गठबंधन कर नहीं सकती हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि जो उनका स्टैंड रहता है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, गठबंधन में नहीं जा रही, ये तय हो गया है, अकेले लड़ती हैं, किसी भी हालत में ऐसा लगता है नहीं है कि इंडिया अलायंस के साथ उनको आखिरी दौर में भी कुछ सहमति बन पाए, वो शामिल हो पाए, तो इसका फायदा तो बीजेपी को होना तय है ना।
मायावती के लड़ने का मतलब इसका फायदा बीजेपी को, ये आप मान रहे हैं कि तय है या फिर नहीं, जैसा मायावती करे कि बसपा और भाजपा और कांग्रेस को तो ये तो बिल्कुल इसका ये देखिए, कोई भी जो चुनाव के विश्लेषक हैं वो ये देखते हैं कि सत्ता विरोधी जो वोट हैं तो उसमें अपोजिशन के यूनिटी का इंडेक्स कितना है, क्या वो बट रहे हैं। तो जाहिर है कि जो बीजेपी का वोट तो बीजेपी में जाएगा, लेकिन जो बीजेपी को नहीं पसंद करता उसके सामने अगर दो विकल्प हो जाएंगे तो जाहिर है तो उसमें एक जो संभावना ये है कि पहली बात तो ये संभावना है कि भाई मायावती जी चुनाव अकेले लड़ेंगी तो उसका एक मतलब ये है कि पिछली बार की तरह जैसे उन्होंने असेंबली में भी किया था कि वो बड़ी संख्या में कैंडिडेट ऐसे देंगी जो बीजेपी का फायदा पहुंचाए। देखिए ये सीधी सी बात ही है, जो ट्रुथ है, नेकेड ट्रुथ ये है। रिजल्ट तो ये रहा ना कि आखिर में उमा शंकर सिंह ही जीत पाए, तो मायावती क्या चुनाव लड़ेंगी भाजपा को जिताने के लिए और वो खुद शून्य पे या एक पे या दो पे रहना चाहेंगी? तो अब ये इस समय उनका यह है कि भाई या तो बीजेपी की बात माने या जेल जाए। देखिए सीधी सी बात है, तो आप क्या पसंद चाहते हैं कि जेल चली जाए? तो आपको अभी भी लग रहा है कि मायावती ने जो फैसला किया है वो बीजेपी के दबाव में किया है और ईडी और सीबीआई जो तलाश रही है तमाम विपक्षी दल के नेताओं को, जैसा कि दिल्ली में दिखाई दे रहा है, जैसा बिहार। और कोई लॉजिक इसलिए क्योंकि मायावती की पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी, भाई 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा तो किया नहीं है कि जिससे पार्टी मजबूत हो फील्ड में, उनके लोग छोड़ के ही गए हैं। तो उनको एक ही फायदा होगा, सीधी सी बात यह है कि एक तो भाई उनको अपने टिकट से आमदनी हो जाएगी कुछ, क्योंकि तमाम लोग ऐसे एक अंतर में दिखाई दिया मुझे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम लोग चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि उनकी समाज में ये पहचान हो एडमिनिस्ट्रेशन में कि भाई ये पॉलिटिकल आदमी है, या कुछ लोगों का क्या होता है कि क्षेत्र में असर होता है, मान लीजिए उनको सपा गठबंधन से वोट नहीं मिला, देखिए उनको ये भी है, या मान लीजिए जो कांग्रेस गठबंधन से टिकट नहीं मिला मान लीजिए, या बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो ऐसे लोग हैं जो अपने को क्षेत्र में मजबूत समझते हैं, तो फिर वो ये समझते हैं कि भाई जो अगर हम मायावती जी का टिकट ले लेते हैं किसी तरह से उसको, तो हमको बोनस वोट मिल जाएगा, कुछ तो है ही है उनके पास हर जगह वोट। तो जाहिर है कि भाई वो फिर मतलब मायावती जी की इनकम तो हो ही जाएगी ना, और ये है कि विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा, तो ये मतलब सीधा लॉजिक तो अपने अनुभव से हम यही कह सकते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ, मायावती आज अखिलेश यादव पर तो हमलावर दिखी लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ में कोई ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने, तो क्या एक संभावना आप ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के की ओर से उनके प्रति एक समर्थन का भाव हो और वो कांग्रेस ये देखना चाहती हो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी वोट अगर मायावती को एक साथ रखते हैं तो शायद वो उस तरह से नहीं हो पाएगा, तो जो भाजपा विरोधी वोट दलित वोट है वो उनके पास चला जाए और बाकी इधर आ जाए, या मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि भीतर भीतर कांग्रेस के साथ कोई ऐसा तालमेल अभी भी बना हुआ है और जो भविष्य में सामने दिखाई देगा जब अखिलेश यादव कुछ ज्यादा बड़ी दावेदारी पेश करेंगे और बिल्कुल जो क्षेत्रीय पार्टी और उसका जो 22 का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर वो पीछे खिसकने के लिए तैयार नहीं हुए तो कांग्रेस क्या आखिर में मायावती को कोई बड़ा ऑफर करके अपने साथ ले सकती है, ऐसी संभावना आप देख रहे हैं? क्योंकि मायावती कांग्रेस लीडर्स के प्रति तीखा नहीं दिखाई दी, अखिलेश के प्रति दिखाई दी। देखिए राजनीति में आप किसी भी संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने लिखित वक्तव्य पढ़ा और कई बार ये कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो अब उसके बाद पलटने की गुंजाइश कम लगती है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस फिलहाल आप उसके हिसाब से देखें, इलेक्टोरल मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, तो सच्चाई यह है कि यूपी में डोमिनेंट पार्टी फिलहाल समाजवादी पार्टी है, फील्ड में भी एक्टिव है, पिछला परफॉर्मेंस भी है उसके हिसाब से, तो कांग्रेस ये जोखिम नहीं लेगी कि अखिलेश यादव को छोड़ के और बसपा के साथ तालमेल कर ले। हाँ दोनों रहे ये तो संभव है, ये तो मतलब वो चाहते हैं कि हो जाए, तो मुझे तो
वो नहीं लगता। देखिए आप खुला खेल फरुखाबादी है, मायावती जी इस हिसाब से अपने कैंडिडेट देंगी जिससे बीजेपी का फायदा हो, और ये होता है, इसमें कोई ऐसी अनहोनी वाली बात नहीं है। और अकेले लड़ेंगी, और अकेले लड़ने से उनका एक फायदा भी है। आप दूसरे ढंग से ये सोचिए कि अगर वो उनको पार्टी को आगे विधानसभा के लिए, देखिए लोकसभा में सीरियस बात है कि मायावती का कोई बड़ा स्टेक नहीं है, 4-6 एमपी जीत भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 जीत जाए 15 भी जीत जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी का बूथ स्तर का नेटवर्क बना रहता है अगर, तो उसको अगले विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को कुछ फायदा मिल सकता है। गठबंधन से अगर वो चुनाव लड़ती हैं, उनको कुछ सीटें मिल भी जाती हैं 15, तो बाकी जगह फिर उनका जो होता क्या है कि देखिए कांग्रेस यूपी में कैसे खत्म हुई उसको हमें देखना चाहिए, कि 96 में जिसका जिक्र किया कि मायावती को उन्होंने करीब 300 सीटें दे दी थी और 100 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, उसका नतीजा यह हुआ कि बाकी जो 300 सीटों में है कांग्रेस का वर्कर काडर इधर उधर सपोर्टर सब जो है वो बीजेपी में ज्यादातर चला गया, थोड़ा सा वहां चला गया। तो मायावती का ये फायदा होगा कि उनका अपना जो काडर है बेस है वो इंटैक्ट रहेगा, और मुझे लगता है शायद प्रायोरिटी इस समय मायावती के अपने हित में यही है, और बाकी साथ के साथ वो बीजेपी को ओबलाइज भी कर देंगी, तो दोनों फायदा है उनका कि पार्टी का जो नेटवर्क है बूथ लेवल का वो बना रहेगा, और बीजेपी को मतलब नाराज भी नहीं बीजेपी होगी, क्योंकि और उसमें आप देखिएगा जब टिकट बटेगा तो आप देखिएगा कि वो टिकट इस हिसाब से देंगी कि सपा का सबसे ज्यादा नुकसान हो। नहीं ठीक है, एक चीज मुझे मैं आपसे समझना था कि मायावती जिस तरीके से दांव चल रही हैं, ये चूंकि एक बयार चली है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की तैयार है और अधिक से अधिक हालत में सिर्फ 4 सीट देने की तैयार है, तो ये जो पिछला कांग्रेस का परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उसके साथ ही जो है इंडिया अलायंस में उसको सीट देने की कोशिश कर रहे हैं या एक लॉजिक रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ रायबरेली सीट जीती थी सोनिया गांधी की सीट, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कांग्रेस को कि भाई आपका पिछला परफॉर्मेंस क्या है, पिछला परफॉर्मेंस तो आपका ये है कि आप 1 सीट जीते हैं तो चलिए आप 5 सीट ले लीजिए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव का ये जो रवैया है ये जो रुख है, क्या आखिरी समय में कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर, जैसा आपने कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन राजनीति में कई बार ऐसी चीज भी हो जाती है कि बिल्कुल एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें फिर टकराव, जैसा पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि अब कांग्रेस और माकपा एक साथ लड़ेगी और वो तृणमूल कांग्रेस को वो अकेला छोड़ देंगे। उसके पीछे 2 तरह की रणनीति है, एक तो कि तृणमूल का अपनी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो उनकी मारक क्षमता है वो ज्यादा है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर शायद वो उतनी कमजोर नहीं, उतनी मजबूत नहीं रहेगी, वो कुंद हो जाएगी, इसलिए ममता बनर्जी को उसके खिलाफ लड़ने दिया जाए और माकपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। तो यहाँ भी एक सवाल उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बन सकता है कि भाई अखिलेश जो उनकी ताकत है भाजपा के खिलाफ वो लड़ें, और इधर से बसपा और कांग्रेस और उसके साथ आजाद समाजवादी पार्टी की चर्चा भी है कि वो, या हो सकता है कि आरएलडी को भी अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली अखिलेश से तो हो सकता है कि अखिलेश को 40 पिछले विधानसभा चुनाव में बंपर वोट प्रतिशत उनका रहा था तो उनको ऐसा लग सकता है और आखिर में बात टूट जाए और इस तरह का एक धरा बन जाए। अब ये थ्योरेटिकली तो ये गुंजाइश है, ये संभावना लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस आगे की भी देखेगी अगर तो उस हिसाब से वो ऐसा नहीं करेगी, फिर क्रेडिबिलिटी भी की बात भी है, क्योंकि फिर वो फिर तो ये हो जाएगा कि भाई गठबंधन, देखिए अगर यूपी में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ भी गठबंधन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि फिर
गठबंधन होगा कहाँ? मतलब सारा खेल तो कांग्रेस को यूपी में है कि भाई यूपी में बीजेपी की सीटें कैसे कम हो। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस को मिले। देखिए आप ये समझिए कि कांग्रेस को ये है कि अगर सपा भी सीटें ज्यादा जीत के लाती है तो भी कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि सपा तो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी, बाकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो अपना चलता रहता है मुद्दों पर सबका। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये मतलब पीछे से स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो, भले इंडिया अलायंस के लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश तो ये है कि भाजपा कैसे पीछे जाए, भाजपा की सीटें कैसे कम हो, इसकी इसकी कोशिश है। और भाजपा कैसे हारी यही सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ा यही रणनीति है। और जो ये राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो यात्रा का रूट है, ये जो न्याय यात्रा है, इस रूट में कांग्रेस की बहुत कम सीटें हैं। तो एक तरह से राहुल की यात्रा पूरे तरह से देखा जाए तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए, वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस उन जगहों पर जहां से राहुल गांधी होके गुजर रहे हैं और वहां पे कांग्रेस को ताकत मिल सकती है, तो कांग्रेस भी चाहेगी कि उसमें से कुछ ताकत जो है ये विपक्षी दल, ये क्षेत्रीय दल, उनके लिए भी थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ाए। जैसे ममता बनर्जी से वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 2 सीट पर वो बात कर रही है। उसी तरह से बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पीछे खिसक सकिए, जगह दीजिए। बिहार का सवाल है, बिहार में लंबे समय तक राहुल गांधी बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश भी आने वाले हैं। तो ये जो यात्रा है बिहार में, अब आरएलडी के पास तो, आरजेडी के पास तो एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो दावा करेंगे कि भाई वो लालू यादव, नीतीश यादव कुछ उनके दबाव में कांग्रेस को पीछे घसीटना चाह रहे हैं। तो ये सवाल तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने है कि अगर विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल है वो अगर उनके लिए स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे, वो जीत पर आ जाएंगे, तो फिर कैसे कांग्रेस बढ़ेगी? कांग्रेस तो अपने से नीचे आ ही रही है। कांग्रेस जो 400 से ज्यादा सीटें लड़ी थी 2019 में, और वो अब कह रही है कि हमें सिर्फ कम से कम 255 सीटों पर तो हमें आप अपनी ताकत का हमें फायदा उठाने दो, तो 255 सीटों के लिए भी गिरा रही है। जी नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास लड़ने के लिए बहुत सारी सीटें हैं, यूपी के अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे राज्य है, आंध्र है। सॉरी जुकाम हो गई, हमको अक्सर हो जाती है, माफ कीजिएगा। तो बहरहाल कुल मिला के देखिए मुझे लगता है, और कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को केवल पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन करना ठीक नहीं होता। कांग्रेस का डेफिनेटली, मायावती का तो भाई समाज से पता चलता है कि भाई 2022 से भी वो नीचे जा रही है, कम हुई है, लेकिन कांग्रेस उभार पे है इस पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है वो जीती नहीं है मध्य प्रदेश में, जीती नहीं है वो अभी छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो उनके पास वहाँ ठीक है। तो यूपी में जाहिर है कि भाई कांग्रेस के पास अभी सोशल बेस नहीं है बड़ा। तो जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के पास एक सोशल बेस है, ओबीसी का है और उसके अलावा माइनॉरिटीज का है, देखिए तो कांग्रेस चाहेगी यही कि भाई अधिक से अधिक सीटें जो है बीजेपी की सीटें कैसे कम हो। वो उनकी अपनी कितनी आएंगी, अगर मान लो वो ज्यादा लड़ भी लेते हैं तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो यूपी में जो गठबंधन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ और आरएलडी के साथ एक तरह से, तो उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगी। और मायावती पे जितना मुझे लगता है कि उनको काम करना था कर लिया, अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कि मायावती से वो फिर से कोई बातचीत का कोई औचित्य है। और देखिए ईमानदारी की बात यही है कि मायावती के पास अब सोशल बेस बचा नहीं, ओबीसी मायावती के साथ नहीं, जो लोअर ओबीसी है वो बीजेपी के साथ है, लोअर ओबीसी दलितों में ये सच्चाई है कि अदर देन जाटों वो जा चुका है, पासी कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी बहुत सारी वो जा चुकी हैं। माइनॉरिटीज को मायावती पे भरोसा नहीं है। हाँ कहीं माइनॉरिटीज का मजबूत कैंडिडेट हो उसके लिए नाते वोट मिल जाए वो अलग बात है।
तो मायावती के पास भी अब कोई बड़ा सोशल बेस नहीं है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है ये रिस्क ले कि भाई समाजवादी पार्टी को छोड़ के या एनवाय करके वो जाए। और एक चीज और, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी भी ये चाहती, मतलब स्ट्रेटेजिकली चाहती है कि मायावती जो है वो और अलग लड़के और एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि आगे की विधानसभा में वो क्यों चाहेंगे कि भाई, क्योंकि पिछली बार वो हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और मायावती की 10 सीटें आ गई और उसके बाद अपने आप उन्होंने अलायंस छोड़ दिया। तो एक ये भी संभावना है ना कि अगर मायावती इस बार लड़ती हैं सारी सीटों पे तो एलिमिनेट हो जाएंगी वो पॉलिटिक्स में, इररिलेवेंट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि क्या एक संभावना आप ये भी देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव बना था, माहौल बना था कि भाई योगी या तो अखिलेश, तो एक जो दो ध्रुवीय दो बाइपोलर जो एक सेंटीमेंट बना था, तो 24 में अगर इस तरह का बाइपोलर सेंटीमेंट बना या तो इंडिया अलायंस या तो बीजेपी, क्योंकि राम मंदिर का पूरे देश में माहौल है और इंडिया अलायंस जैसे अब एकजुट होकर और सड़क पर उतरने जा रही है, या जो भी फाइनल होगा कि किसको बाहर करना है, ममता बनर्जी बाहर हो जाएंगी या कौन बाहर होगा, या लालू यादव नीतीश कुमार नाराज होके क्या करेंगे, अभी कुछ तय नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये बाइपोलर वाला सेंटीमेंट रहा तो मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसा नुकसान 2022 में बड़ा नुकसान होगा? मायावती के पास अपनी जाति जो कोर जाति है जाटो काडर, उसका वोट मिलेगा, और जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका अपना जो प्रभाव क्षेत्र होता है अपनी जाति का या कुछ का उसको मिलेगा। बाकी जो आम मतलब बीजेपी विरोधी वोट है वो तो गठबंधन में जाएगा, फिर इंडिया सब जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रहेगी वहीं जाएगा या समाजवादी पार्टी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मायावती के पास अब सोशल बेस बचा नहीं है कोई। चलिए बहुत अच्छी चर्चा रही, और आपने मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में तो आप गंभीरता से जानते ही हैं, और आपने एक अच्छा इंसाइट दिया कि भाई मायावती का जब ये रुख उन्होंने साफ कर दिया तब उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर बदलेगी, किस तरह की तस्वीर बनेगी। और इस वक्त चिंता तो पूरे देश की भी है कि पूरे देश में क्या माहौल बनता है, चूंकि इंडिया अलायंस बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और अभी तक सीटों का उम्मीद करना चाहिए कि अब धीरे धीरे उनके पार्टनर के साथ सीटों का एक अच्छा खासा जो है सिस्टम बन जाए। लेकिन कई राज्यों में टकराव की स्थिति है, खासतौर पे बिहार में अभी टकराव की स्थिति सामने आ रही है जहां पर आरजेडी कुछ सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि पिछले चुनाव में आरजेडी का वहां प्रभाव बहुत ही शून्य हो गया था क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर वहां की तमाम लोकसभा की सीटें जीत ली थी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत मानी जा रही हैं, अभी भी मानी जा रही हैं, और वो इसीलिए अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां चल रही हैं, जिस तरह का माहौल वहां पे है, इससे एक पूरे देश में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का माहौल बना है। इस माहौल में इंडिया अलायंस किस तरह से आगे रुख लेता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जी, बिहार में आपको आरजेडी की 2019 की लोकसभा की परफॉर्मेंस के बजाय विधानसभा की परफॉर्मेंस को ध्यान रखना चाहिए, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो आरजेडी को आप वहां कैसे भाई, उसके बाद बढ़े ही है ना, तो अगर आरजेडी के चुनाव होते हैं तो उसके बाद निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी देखते हैं। लेकिन अब ये भी एक देखने में आ रहा है कि जनता जो है आप राज्यों में देखिए कि किस तरह से वो वोटर फैसला कर रहा है। राज्यों में वोटर जो है राज्य के लिए अलग तरह का वोटिंग पैटर्न है उसका, और सेंटर में आके दूसरा उसका हो जाता है। आप देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या था 2019 के चुनाव के पहले, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। भाई मध्य प्रदेश में भी आखिर कांग्रेस की सरकार ही बन गई थी ना, राजस्थान में बनी जो आखिर तक चली, छत्तीसगढ़ में बनी आखिर तक चली, और मध्य प्रदेश में भी बन गई थी। तो लेकिन अब वहां क्या आया 2024 के पहले, वहां की जनता ने क्या सोचा? तो ये अब जनता पहले की तरह वोटर जो है एक अलग तरह के पैटर्न में आ गया, इसीलिए ऐसे सवाल किए जाते हैं और लोकसभा से लोकसभा को तुलना की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि पूरे देश में एक मुद्दे क्या है, लोगों तक मुद्दे कैसे पहुंचते हैं, और विपक्ष अपने मुद्दे कैसे उनके पास लेकर जाता है,
और इस वक्त राम मंदिर का माहौल जो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अब राम राज्य कायम हो गया और 22 जनवरी के बाद देश राम राज्य में प्रवेश कर जाएगा और सतयुग आ जाएगा, कुछ इस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है। तो अब वोटर पर इसका किस तरह का प्रभाव है? एक चीज और चलते चलते एक चीज और कर दें, कहते चलें कि बीजेपी इस बार केवल अपोजिशन से नहीं लड़ रही है, वो हिंदुत्व के नाम पर जो सनातन धर्म की संस्थाएं हैं ट्रेडिशनल, शंकराचार्य, सन्यासी, स्वामी, दंडी, और उनसे भी लड़ाई लड़ रही है। तो एक तरफ सत्ता, राजनीतिक सत्ता के साथ साथ जो बीजेपी धार्मिक सत्ता भी अपने हाथ में नियंत्रण में लेना चाहती है, तो उसका बड़ा जबरदस्त विरोध हो रहा है। उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका कितना मतदाताओं पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बीजेपी ने एक जो नया मोर्चा खोल लिया है आरएसएस ने, उसका क्या परिणाम होता है ये भी हमें मार्च तक थोड़ा आते आते देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये हमें ये भी देखना होगा कि देखिए इंडिया अलायंस, अभी राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, आज उसका दूसरा दिन है, कल मणिपुर से ये हुआ है, और कैसे कैसे ये जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो न केवल कांग्रेस के प्रति बल्कि विपक्ष के प्रति एक माहौल बनेगा, और मीडिया के जरिए तमाम जो वन टू वन कनेक्ट है नेताओं का, और किस तरह से इसमें इस पूरी यात्रा में विपक्षी दलों का, बाकी जो इन कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरह की मैसेजिंग होती है, तो वो बहुत मायने रखता है और वो बहुत मायने रखेगा। तो ये अब जब जनवरी के बाद ज्वार उतर जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक राजनीतिक बदलाव जमीन पर दिखाई देगा और हम उस पर नजर बनाए हुए हैं और हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है एक चीज और भी है कि देखिए मायावती के अब अलग हो जाने से समाजवादी पार्टी पे भी दबाव थोड़ा कम हो गया। ये तक भाई अगर मायावती गठबंधन में रहती हैं तो 25-30 सीटें उन्हें देना होगा, भाई समाजवादी पार्टी को भी अपनी हैसियत तो पता है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी कंफर्टेबली उनके पास अब इतना स्कोप है कि जितना चाहे लड़ ले और फिर उसके बाद छोड़ दे कांग्रेस के लिए, आरएलडी के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि आज के बाद जो है अखिलेश यादव का भी जो है सीने पर बोझ कम हो गया है। हाँ, क्योंकि भाई उसमें दिक्कत यही आती है कि फिर मायावती बहुत सारी ऐसी सीटें मांगती हैं जो जीत सकती है, मुस्लिम बहुल होती हैं, मतलब उस हिसाब से। तो अब मुझे लगता है अब सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, निश्चित रूप से। और जो बसपा के जो अभी प्रेजेंट में सांसद हैं उनके लिए भी एक रास्ता क्लियर हो गया कि वो अपनी मतलब जमीन की वो ताकत को समझ लें, अपनी उनकी ताकत है कि पार्टी की ताकत है और किसकी ताकत से वो बने रह सकते हैं, तो वो भी उनके लिए भी एक तरह से रास्ता क्लियर हो गया कि वो किधर जाए, है ना। मायावती ने चूंकि क्लियर कर दिया है तो अब वो किधर जाए, चूंकि बसपा के कई सांसद इधर उधर डोरेबाजी चल रही है, उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं या वो डोरे डाल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक रास्ता क्लियर हो गया। उन्हीं का देख लीजिए ना कि जिनको संसद में इतना ज्यादा, दानिश अली को संसद में इतना अपमानित किया गया, भिदोड़ी को, मायावती उनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो आप क्या समझते हैं कि वो उनके साथ रहेंगे? रहेंगे दानिश अली, वो कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो कांग्रेस उनको समर्थन करेगी, और इन्हीं वजह से मुझे लगता है कि वो कांग्रेस जो है बसपा के अगर कुछ चेहरे अगर कांग्रेस अपने साथ ले लेती है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव से वो इस आधार पर बार्गेन कर सके कि देखिए भाई 10 में से 8 और 7 तो हमारे पास हैं और हमारी अपनी सीट भी है रायबरेली, अगर सोनिया गांधी वहां रायबरेली में एक बार फिर दावा करती हैं, सोनिया गांधी या तो ये ऐलान करें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी या ये ऐलान करें कि वो रायबरेली से लड़ेंगी और उनका ये आखिरी चुनाव होगा, तो इस नाते भी उनकी और जनता का झुकाव हो सकता है कि भाई आखिरी चुनाव कहके एक इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं। लेकिन अभी देखना है, कांग्रेस ने अभी पूरी तरह से पत्ते खोले नहीं है सीट वाइज। समाजवादी पार्टी मैक्सिमम यूपी में 39 सीट जीती है एक बार, ठीक है ना? जी, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, और चुनाव जीतने लड़ने में पैसा भी लगता है, तो समाजवादी पार्टी प्रैक्टिकली उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सारी 80 सीटों पर लड़े, मतलब जीतने 65 सीटों पर मांग रहे हैं, 65 सीटों पर लड़ने में भी काफी दम लगा जाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो सब कहने की बात होती है। देखिए ये सब एक पब्लिक पोस्चरिंग और होती है और इंटरनल और होती है, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ये सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा थोड़ा आसान हो जाएगा।
बिल्कुल, और उम्मीद है कि अखिलेश यादव भी जो है अब ज्यादा दिलेरी से कांग्रेस के लिए कुछ स्पेस दे सकते हैं, अपने साथियों के लिए स्पेस दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं वो भी चूंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको भी इस गठबंधन में कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ शेयर मिलेगा, और चूंकि वो दलित युवा चेहरों के बीच में काफी पॉपुलर है तो निश्चित रूप से इस बार उनको भी जगह मिलने की उम्मीद है। तो एक बहुत देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वेस्टर्न यूपी में अगर आजाद समाज पार्टी साथ रहेगी इंडिया अलायंस के, तो उससे मायावती को भी काफी नुकसान होगा और नुकसान होगा। तो एक तस्वीर जो है मायावती ने एक तरह से अपना जो पत्ते खोल दिए, तो एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें अब बहुत तेजी से जो विपक्ष के जो दल हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी की पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये सब मिलके अब इनको लगता है, और कांग्रेस खासतौर पे, कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के उत्तर प्रदेश आने का इंतजार करेगी। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो है के बारे में अगर कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर जल्दी से कोई फैसला कर लेगी तो निश्चित रूप से इसका उनको लाभ मिलेगा, उसका चुनावी लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, और चलते चलते एक तथ्य और डिस्कस कर लेते हैं कि जो मायावती के साथ गठबंधन पे सबसे ज्यादा काम कर रही थी प्रियंका गांधी, ठीक है ना। अब आप ये सोच लीजिए कि प्रियंका गांधी को यूपी की राजनीति से विड्रॉ कर लिया गया है। अब तो नए वहां महासचिव आ गए हैं जो यहां पर, वो भी तो कांग्रेस के अंदर भी जो थिंकिंग जो है उसमें अब थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, और रामदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उत्तर प्रदेश को लेकर इतना गहन अध्ययन किया है, इतने लंबे समय तक जमीन पर आपने काम किया है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के राजनीति के बारे में, यहाँ के राजनीतिक दलों के रुझान और उसके परफॉर्मेंस के बारे में इतनी गहराई से जानते हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें कर पाते हैं और हम समझ पाते हैं जमीन की स्थिति। तो और काफी संख्या में दर्शक भी हमारे जुड़े हुए हैं, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे इन दोनों चैनलों पर आया करें, द इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज। यहाँ पे हम तथ्यों के आधार पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, ना हम इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है लोगों की सोच और लोग कैसे सोच रहे हैं और उनकी सोच से राजनीति कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही है, ये हमारा क्राइटेरिया होता है। और तमाम तरह बिल्कुल, आप प्रोपोगंडा सुनने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए हम लोगों के पास आ जाया करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, और हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी भी दबा देंगे, और निश्चित रूप से हम लोग इसी तरह की समीक्षा के साथ आएंगे जिसमें ना इनकी होगी ना उनकी होगी, आप ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।